हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। नमस्कार, मैं मदनलाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। राज्य के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगले की बेरी में बुधवार दोपहर प्रधानाचार्य गोपाल सिंह चौधरी व 5 स्टाफ साथी का स्थानांतरण होने पर विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत राजनाथ महाराज, सरपंच खियाराम बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि वालाराम नेहरा, प्रधानाचार्य धोला नाडा के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गोपाल सिंह चौधरी व साथियों ने विद्यालय परिसर में स्वागतम गेट पर पौधे लगवाकर पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने की शपथ ग्रहण की। विदाई लेने वाले साथी पद्माराम चौधरी, जय सिंह धर्मपाल, नारायण लाल दुर्गेश सिंह ने भी शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि हम जिस विद्यालय में पद ग्रहण करने से पहले पौधे लगाकर सभी विद्यार्थियों को आग्रह करेंगे। इस मौके पर दीपक मोहर सिंह, चेनाराम साई, गंगाराम बेनीवाल, ताराराम बेनीवाल, सुमन अध्यापिका, ताजाराम गोदारा, कुंभाराम प्रधानाध्यापक, रत्नासर ओम प्रकाश बिश्नोई अध्यापक, देवी सिंह आशु चुन्नाराम अध्यापक, वीरमाराम बेनीवाल, भगवानाराम पूर्व सरपंच व समस्त ग्रामीण व विद्यार्थी रहे उपस्थित। राजनाथ जी महाराज मेरे तीन परिक्षेत्र के समस्त अध्यापकगण, मेरे खुद के विद्यालय के परिवार के साथी, गांव से पधारे हुए ग्रामीण जी और मेरे प्यारे प्यारे वोट करो। आज के कार्यक्रम में पुनः हुआ था यहाँ तक आप जा रहे हैं तो मैंने यही से कहा था, गंभीर से मैंने कहा था गंगाराम जी से मन साथ ले, ऐसा दिन हम सुनिश्चित करें कि हमारे जितने साथी यहाँ से गए हैं सभी को हम एक साथ बुला करके और इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और निश्चित रूप से पुनः सभी लोग एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लगा, सभी का स्नेह मिला, प्यार मिला। एक प्रधानाचार्य के कार्यकाल में एक प्रधानाचार्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसा मिलता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राजनाथ जी का, और बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, किस्मत वाले लोग होते हैं कि जिन्हें ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता है और वो स्कूलों में रुचि रखते हैं, स्टाफ को सहयोग देते हैं, विद्यालय को सहयोग देते हैं। पिछले 15 अगस्त में भी, और अगर मैं यहाँ रहता, मैं यहाँ रहना चाहता भी था, लेकिन एक मजबूरी होती है इंसान की कि उसके कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं जिसकी वजह से उसे घर जाना पड़ता है। लेकिन आप जैसे संतों के यहाँ रहने से निश्चित रूप से यह बहुत पवित्र भूमि है और यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, काम करने की इच्छा शक्ति इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। और मैंने भी यहाँ, मैं जब तक रहा, मैंने मेरे स्टाफ साथियों को, मैंने मेरे सभी बच्चों को ये प्रेरणा देने का प्रयास किया। अब उसमें मैं सफल कितना हो पाता हूं ये भविष्य बताएगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर उन बातों को थोड़ा बहुत भी प्रभावित मेरे बच्चों को और मेरे स्टाफ साथियों को किया होगा तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा कि ईश्वर ने इस निमित्त मात्र मुझे साधन के रूप में चुना और मैंने अपने उस कर्तव्य को पूरा करने का अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास किया। पीओ परिक्षेत्र मंगले की बेरी, सरपंच साहब, पीओ आपको मैं मुखातिब होकर के बताना चाह रहा हूं, हम लोग साथ मिलकर कुछ काम करना चाह रहे थे लेकिन ट्रांसफर हो जाने के कारण वो योजना मूर्त नहीं ले पाई। मैं आपको विश्वास दिलाऊ, मंगले की बेरी पीओ परिक्षेत्र में जितने भी शिक्षक तत्व हैं
माता राम जी नारायण लाल जी से लेकर के हिम्मत सिंह देव सिंह आदि बीच में मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, एक तरफ वो पीढ़ी है जिसके पास अनुभव है और बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन सभी में कार्य करने की क्षमता जैसा मैंने महसूस किया, किसी भी व्यक्ति में वो एक जनरली जो एक इंसान के अंदर आदत हो जाती है कार्य से भागने की, ऐसा हमारा मंगले की देवी परिक्षेत्र में एक भी विद्यालय के कर्मचारी की भावना नहीं है। आवश्यकता है उन्हें प्रेम से गाइड करने की और दिशा निर्देश देने की। यहाँ इस मंच से मैं ये आशा करता हूँ कि मंगले की देवी परिक्षेत्र के पीओ परिक्षेत्र के समस्त अध्यापक, जितना समय मैंने उनके साथ गुजारा बेहतर से बेहतर हम जितना कार्य बच्चों के साथ मिलकर के कर सके जितना कर सके वो हम पूरी ईमानदारी के साथ करें, ईश्वर हमें इसका बहुत अच्छा फल देगा। और प्यारे बच्चों आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको पूरी मेहनत करके और परिश्रम करके अपना लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आज वे साथी जिन्होंने मेरे साथ स्थानांतरण के कारण यहाँ से विदाई ली, धर्मपाल जी हो, जय सिंह जी हो, पद्माराम जी हो, नारायण जी हो, दुर्गाराम जी हो, आप मेरे साथ रहे, आप सभी में भी कार्य करने की एक जुझारू प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को आप आगे भी जारी रखें। अपने कार्यकाल के दौरान अगर मुझसे कोई चाहे बेचाहे अगर कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी साथ साथी का, किसी भी ग्रामीण जन का मन व्यथित हुआ हो तो कृपया उसको यहीं छोड़ दें। मेरी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।